पश्चिमी यमुनानगर रादौर के पक्का घाट पर उस वक्त लोगों की भीड़ जमा हो गई जब उन्हें नहर में देशी शराब की बोतलें बहकर आती दिखाई दी। नहर में बहकर आ रही शराब की बोतलों की सूचना पाकर शराब पीने के शौकीन भी मौके पर पहुंचे और कईयों ने तो शराब की बोतलें भी नहर से बाहर निकालनी शुरू कर दी। नागेश्वर धाम पक्का घाट रादौर के महंत स्वामी महेशाश्रम ने बताया कि नहर में हजारों शराब की बोतलें बहकर आई हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने लोगों से यही अपील की कि वे शराब का सेवन ना करें, ये आपके लिए जानलेवा हो सकती है। हालांकि इस दौरान कुछ लोग अपने साथ एक दो शराब की बोतलें भी लेकर मौके से चले गए। नदी में हजारों बोतलें शराब के कहीं से बहते हुए आ रही है और इसीलिए लोगों ने भीड़ लगाई हुई है। कुछ लोगों ने छाना भी है, उसमें से निकाला भी है, तो हमने सबको मना किया है, सारी पब्लिक को कहा है कि भाई जगह जगह जहरीली शराब पीने से पंजाब में भी हिमाचल में भी लोग मर रहे हैं, इसलिए आप लोग इस शराब को सेवन न करें क्योंकि स्वास्थ्य पर आपका हानिकारक हो सकता है, कोई मर भी सकता है। इसलिए इस शराब को पिए नहीं और निकाले नहीं, रोकने का प्रयत्न किया है, लेकिन इसमें हजारों बोतलें जा रही है बह करके सब लोग, और जहाँ तहाँ लोग छान रहे हैं। अब जहाँ यहाँ तक पक्के घाट में तो हमने सबको हिदायत दी है कि कोई न पिए क्योंकि इसे जान भी जा सकता है। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें यस टीवी।